खड़गपुर पुलिस ने जनता को नए साल पर एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने उनके चेहरे खिला दिए। पुलिस ने खोए हुए 41 मोबाइलों को सर्विलांस की मदद से बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया। मोबाइल यानी मुट्ठी में दुनिया, मगर यही दुनिया अगर मुट्ठी से फिसल जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कयामत आ गई, क्योंकि आज के दौर में लोगों की बैंक एप्लीकेशन से लेकर सोशल मीडिया के अकाउंट्स सब मोबाइल पर ही होते हैं। ऐसे में मोबाइल का खो जाना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है, और ऊपर से ये डर अलग कि नंबर का कहीं कोई मिसयूज ना हो जाए। इसी उधेड़ बुन में फंसे लोगों के साथ अगर चमत्कार हो जाए, अचानक वही फोन उनके हाथ में आ जाए, तो फिर चेहरे पर ऐसी ही चमक होती है। हम उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे पहले बहुत बड़ा वाला थैंक्स देना चाहेंगे, क्योंकि जब भी ये मेरा मोबाइल खोया था तो हमको तो मेरी उम्मीद ही टूट गई थी कि मुझे मोबाइल मुझे दोबारा मिलेगा, लेकिन फिर मुझे उसी साल में ये मोबाइल मिल के मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे नए साल में कितनी खुशी हो रही है। ये मेरा फोन 15,550 का था और मोबाइल लेने के मेरा 12वें दिन ही मोबाइल खो गया था। गोरखपुर के SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर गोरखपुर सर्विलांस टीम लोगों के फोन तलाशने में जुटी है, और सर्विलांस की मदद से लोगों से मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने उन सभी 41 लोगों को थाने बुलाया जिनके फोन खोए हुए थे, और सभी को उनके फोन लौटाकर दिखा दिया कि वो अपनी ड्यूटी कितनी संजीदगी से करते हैं। कप्तान साहब के निर्देशानुसार SP क्राइम साहब के अध्यक्षता सीओ क्राइम साहब के पर्यवेक्षण में लगातार सर्विलांस टीम उन मोबाइल्स को खोजती रहती है जो लोगों के द्वारा किसी न किसी कारणवश इधर उधर हो गए हैं या कहीं गिर गए हैं या खो गए हैं। उसी क्रम में आज नववर्ष की शुभकामनाओं के स्वरूप गोरखपुर पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा ये कुल 41 मोबाइल वापस किए जा रहे हैं लोगों को जो उनसे इधर उधर खो गए थे, और जिनका कुल मूल्य 5 लाख से भी ऊपर का है, और इसमें जो सबसे महंगा फ़ोन गया वो लगभग 1 लाख रुपये तक का है। तो इससे लोगों के बीच में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ने की हम अपेक्षा रखते हैं, और साथ ही उनसे और ज्यादा भविष्य में सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। जिन मोबाइल फोन के वापस मिलने की लोगों ने आज छोड़ दी थी वो अचानक उनके हाथ में आए, तो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इसे पुलिस की तरफ से मिला नए साल का तोहफा बताया। प्रदीप तिवारी, Zee Media, गोरखपुर।